मनोजवम मारुदुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूत मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री हनुमते नमः श्री भौमाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का कार्यक्रम हमारा है मेष राशि वालों के लिए। मंगल का जो परिवर्तन का योग बन रहा है, मंगल अस्त होने जा रहे हैं, उसका प्रभाव क्या होगा आपके ऊपर? देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल। आपके लग्न राशि जो है ना, मेष राशि है एक नंबर आपकी जो राशि है, वो विशेष तौर पर उसके स्वामी मंगल हैं। उसके साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी मंगल हैं, तो आपके स्वयं के योग कारक विशेष तौर पर ग्रह जो है मंगल, वो आपका योग कारक हो जाता है। मंगल विशेष तौर पर जब मेष का स्वामी हो गया, लग्न का स्वामी हो जाता है, वो हमेशा शुभ ही हो जाता है आपके लिए। और सबसे प्रभावशाली ग्रह आपका जो है, वही जब अस्त होने जा रहा है, और वो क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा आपके लिए। अभी गोचर के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल का जो विशेष तौर पर स्थान है, वो मंगल इस वक्त कन्या राशि में चल रहे हैं। मंगल का कन्या राशि में चल रहे हैं और 24 सितंबर को मंगल जो है वो विशेष तौर पर सूर्य के बिल्कुल 17 अंश के पास आ जाएंगे। 17 अंश उनका, सूर्य का और मंगल का जो अंतर है वो 17 अंश के आसपास का रह जाएगा। 17 अंश के आसपास मंगल जब सूर्य के आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं, सन्निकट आ जाते हैं, यानी विशेष तौर पर उसके प्रकाश के आगे ओझल हो जाते हैं, दिखने बंद हो जाते हैं, तो इसलिए उनको बोला जाता है अस्त हो गए ग्रह, उनका प्रभाव कम हो गया। और ये रहेगा यहाँ पर 17 अंश के आसपास, जब मंगल के प्रभाव में, सूर्य के प्रभाव में चल रहे हैं, इस बार 4 महीने के लिए, करीब 115 दिन के आसपास के लिए। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको समझ लेना चाहिए कि मंगल का जो प्रभाव है बड़ा विचित्र रहने वाला है, इसको हमें विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए। 16 जनवरी तक ये प्रभाव रहेगा। 24 सितंबर को करीब शाम को 5:30 बजे मंगल अस्त होंगे और 16 जनवरी को रात्रि में 9:54 तक ये मंगल अस्त रहेंगे। इसी दौरान मंगल अपनी गति से आगे चलते जाएंगे और विभिन्न 4 राशियों में आगे प्रवेश करते चले जाएंगे। अभी कन्या में चल रहे हैं, फिर 3 अक्टूबर को तुला में चले जाएंगे, 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, 28 दिसंबर को धनु राशि में चले जाएंगे। लेकिन इन सब राशियों को पार करते हुए, ये सब जो ग्रहों को पार करते हुए, इन सब राशियों को पार करते हुए मंगल ये अस्त ही रहेंगे, अस्त यानी निस्तेज रहेंगे। तो ऐसे में मंगल जो विशेष तौर पर समझें करता क्या है, मंगल साहस का प्रतीक है, मंगल जनरल तौर पर सेनापति है, हिम्मत का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, मंगल आपकी उत्तेजना का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। यदि मंगल ही कमजोर हो गया, अस्त हो गया, तो क्या होता है, ये सब चीज़ों में लैक होना शुरू हो जाता है। और एक पुरानी कहावत है, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा, भगवान भी तभी हेल्प करते हैं कि जब व्यक्ति खुद जाग जाए। मंगल एक बहुत शुभ ग्रह है, मंगल परम पवित्र ग्रह है और सामर्थ्य के मालिक है, मंगल आनंद के प्रतीक है, मंगल का अर्थ ही आनंद है, मंगल का अर्थ ही शुभ है। कुछ लोगों के मन में भ्रांति है कि मंगल अशुभ हो जाते हैं, मांगलिक किसी को, व्यक्ति को कह दो कि भैया आपका बच्चा मांगलिक है, वैसे ही ऊपर पसीने छूट जाते हैं उसके। हमारे पास लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, उनको जब हम कहते हैं कि भैया आपका कभी जन्मपत्री में योग होता है मांगलिक है आपका बच्चा, बेचारा परेशान हो जाता है कि महाराज क्या कह रहे हैं आप, मंगल बच्चा मांगलिक है, ये तो बहुत परेशानी का प्रभाव है। अरे कहाँ, किसने समझाया आपको ये बातें, मंगल मांगलिक होना शुभ है, शुभत्व का प्रतीक है। घर में मांगलिक कार्य करते हो ना, शादी विवाह जितने भी कार्य, घर प्रवेश, ये सब मांगलिक कार्य माने जाते हैं। तो भाई मंगल का होना शुभ है, मंगल का भगवान की आराधना करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, मंगल की कामना करते हैं ना, और फिर आप कह रहे हो मंगल अशुभ नहीं है, मंगल शुभ है, इस भ्रांति को हटाओ। कुछ लोगों ने आपके मन में जिस प्रकार का बीजारोपण कर दिया है, वो बेसिकली वो कष्ट का कारक है। अब मंगल करेंगे क्या विशेष तौर पर, मंगल जैसे सामर्थ्य के मालिक हैं, आपके अनुसार हमने बताया तन लग्न के मालिक हैं, प्रभाव के मालिक हैं, आपके अंदर एंजाइटी बढ़ा सकते हैं। मंगल जब आपके राशि का स्वामी, सबसे मुख्य स्वामी जो ग्रह है आपका योग कारक ग्रह, वही अस्त हो गया तो आपके लिए सबसे शुभ ग्रह प्रभावहीन हो गया, तो आपको बड़े समझ की आवश्यकता है कि ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपने जीवन में उसका प्रभाव रहेगा। तो पहले समझ लें कहाँ कहाँ मंगल चलेंगे और क्या कुछ कर सकते हैं मंगल आपके लिए।
तो मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से मंगल जब कन्या राशि में चल रहे हैं, कन्या राशि मस्त हो जाएंगे, छठा भाव है। छठा भाव विशेष तौर पर ऋपु भाव माना जाता है, छठा भाव रोग का भाव माना जाता है, तो ये सब वहाँ अस्त चलेंगे। उसके बाद मंगल आ जाएंगे सप्तम में, सप्तम दाम्पत्य जीवन का स्थान, विशेष तौर पर पत्नी का स्थान, पति का स्थान माना जाता है, व्यापार का स्थान माना जाता है। उसके बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे, वो मृत्यु का भाव माना जाता है, बंधन का भाव माना जाता है, जेल का भाव माना जाता है। उसके बाद नवम भाव में जाएंगे, वो आपका धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, तो ये सब प्रभाव यहाँ पर रहेंगे। अब मंगल का इन सब भावों में लगातार प्रभाव रहने वाला है, उसके अनुसार से आपके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। मंगल वास्तविक तौर पे हैं कौन, ये भी सबसे पहले उससे पहले समझ लें कि मंगल ग्रहों के दृष्टिकोण से भारतीय ज्योतिष विज्ञान, योग, भारतीय अध्यात्म विज्ञान के अंदर हर चीज़ का सृजन का कारण बताया गया है। मंगल साक्षात शिव के अवतार हैं, शिव के अंश हैं, धरती के पुत्र हैं, देव हैं। कहा जाता है कि जब कथा घटना घटी कि भगवान भगवती जो सती थी वो भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि पिता ने यज्ञ रखा है, जब उन्होंने देखा आकाश मंडल में कि सब लोग अपने विमान से जा रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हैं, समझ में आया, सूचना मिली कि दक्ष ने, सती के पिता ने, माँ भगवती पार्वती के पिता ने यज्ञ रखा है, बहुत विशाल यज्ञ रखा है और उसमें शिव को नहीं बुलाया। तो भगवती बड़ी परेशान होती हैं अंदर से कि शिव को, मेरे पति को नहीं बुलाया। और कहा जाता है एक पुरानी शास्त्र के दृष्टिकोण से जिस यज्ञ में शिव आमंत्रित ना हो वो यज्ञ विध्वंस हो जाता, और वही हुआ। इसलिए शिव का अंश यज्ञ में सबसे पहले रखा जाता है। आप घर में भी यज्ञ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सब शिव के निमित्त आहुति उसमें अवश्य प्रदान करें, शिव को अवश्य आमंत्रित करें, शिव के निमित्त अभिमंत्रण, उनका आमंत्रण सबसे पहले होना चाहिए। यदि उनको नहीं, उनके निमित्त आहुति प्रदान नहीं करी, वो यज्ञ निस्तेज है, वो यज्ञ का प्रभाव शून्य हो जाएगा, वो यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, वो यज्ञ निष्फल हो जाएगा। तो भगवती भगवान शिव की से आज्ञा मांगती है कि मुझे जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि भाई जिन जहाँ बुलाया ना जाए वहाँ जाना निषेध है। तो फिर भी सती जबरदस्ती जिद करके चली जाती हैं और वहाँ जाकर जब देखती हैं कि शिव का स्थान ही वहाँ नहीं रखा गया है, तो उस दक्ष के यज्ञ में अपने आप को हवन कुंड में समर्पित कर देती हैं। शिव को ये पता चलता है, भगवान को पता चलता है, तो वो क्रोध में आकर वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं। भगवान की शिव के पसीने से पृथ्वी पर पड़ता है, उससे वीरभद्र उत्पन्न होते हैं और जाके यज्ञ को विध्वंस करने की जब आज्ञा होती है तब वो विध्वंस कर देते हैं उस यज्ञ को, जाकर समाप्त कर देते हैं उस यज्ञ को, जाके दक्ष का सिर काट दिया जाता है और फिर बकरे का सिर उनके सिर पर लगा दिया जाता है। बाद में जब वनु ने विनय की जाती है वहाँ पर कि तो क्षमा करके उनके ऊपर उसी से वो भगवान की आराधना करते हैं ये है। और उसके बाद वीरभद्र को आकाशमंडल में मंगल के रूप में स्थित कर दिया जाता है। और आज भी जब मंगल और चतुर्थी का योग बन जाता है तो अंगारक चतुर्थी बनती है, तब वो मंगल का जन्मदिवस बन जाता है। मंगल अंगारक योग बनता है, जो अंगारक चतुर्थी बोला जाता है, उस दिन मंगल का जन्मदिवस होता है। तो कुछ लोग इस प्रकार से अनर्गल प्रयास कर रहे हैं, मंगल की कथा जानते नहीं है क्या है मंगल। तो कुछ लोग, अभी हमने टीवी पे देखा, बहुत सारे जगह पे देखा, मंगल को अंधा बता दिया है कि मंगल अंधे होने जा रहे हैं, अस्त होने जा रहे हैं। भाई अस्त, तो इस बात को समझें कि आप अनर्गल बहुत सारी बातें करते हैं लोग, उनसे बच के रहें। ज्योतिष विज्ञान का उनसे कोई सृजन नहीं है। तो अब आपके लिए क्या रहेगा प्रभाव, तो ये समझ लें। 24 तारीख को मंगल का जब अस्त होने का, 24 सितंबर को योग बनेगा, तो मंगल 5:30 बजे अस्त हो जाएंगे और उसके बाद करीब करीब 3 अक्टूबर तक मंगल आपके छठे भाव में चलेंगे और वहाँ आपके लिए विशेष तौर पर थोड़े सुख में कमी ला देंगे। मित्र लोग आपके, खासतौर पर सहपाठी साथ में लोग जो हैं वो आपको कष्ट देने के योग बना सकते हैं, तो सावधान रहेगा। उन पर भी, घर के मित्रों पर भी कष्ट आने के योग बन सकते हैं, आप पर भी कष्ट आने के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आपको, खासतौर पर आपके भाई लोग के निमित्त, मित्रों के निमित्त कुछ कष्ट के योग आपके प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका एकदम डाउनफॉल हो जाए, फिर आपको दोबारा मेहनत करके जो कार्य कर रहे थे वो बिगड़ जाए, फिर आपको दोबारा मेहनत करके उसको ठीक करना पड़े, ऐसा उठापटक के योग बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा एक सेकंड खत्म हो जाए, चिंता ना करें, अपनी एंजाइटी को ना बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखें। उपाय हम बता रहे हैं, उपाय कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक होगा। एक उपाय आप करने का प्रयास कीजिएगा, विशेष तौर पर 24 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में ये उपाय आपको बहुत मदद देगा। ये उपाय ये है कि आप जो भी भोजन करें सबसे पहला ग्रास निकालकर कौवे के निमित्त, काग बलि के निमित्त उसको बाहर फेंक दिया कीजिए। यानी पराठा खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उसका पहला ग्रास निकालकर काग के निमित्त अवश्य नित्य प्रति ये उपाय करने का प्रयास कीजिए। इससे आपके जो ग्रह का दुष्प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने के योग बन जाएंगे। 3 अक्टूबर को ग्रह परिवर्तित होगा और उसके बाद 17 नवंबर तक ग्रह आपके सप्तम भाव में चलेगा, मंगल अस्त होकर,
और वहाँ आपको अननेसेसरी क्लैश में फंसाएगा, झगड़ों में फंसाएगा, एंजाइटी करेगा, विशेष दूसरों के झगड़ों में आपको जबरदस्ती खींच लिया, आपने किया कुछ नहीं होगा लेकिन जबरदस्ती आपको परेशान किया जा सकता है। इसलिए दूसरों के झगड़ों में ना पड़े, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए और खासतौर पर दूसरों के झगड़ों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में अपने विशेष तौर पर व्यवसाय, जो कमीशन का काम कर रहे हैं, सरकारी महकमे के साथ काम कर रहे हैं, व्यापार में कुछ ना कुछ दिक्कत आने के योग बन सकते हैं, तो उसके निमित्त कुछ उपाय बता रहे हैं, वो अवश्य करने का प्रयास करें। गुड़ का दान, लाल वस्त्रों का दान, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। मंदिरों में कुछ विशेष तौर पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो सामान है वो दान कर सकते हैं, और ख़ासतौर पर कोई छोटी चांदी की चीज़ का दान किसी मंदिर में जाकर कर दीजिए, या चांदी के लोटे से विशेष तौर पर कुछ पात्र लेकर मंदिर में दे दीजिए, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। इसके द्वारा भगवान शिव का नित्य प्रति अभिषेक करने, ये भी बहुत सुंदर रहेगा। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना, ये आपके लिए बहुत सुंदरतम उपाय रहेगा। इसको कर कर आप लाभ ले सकते हैं। इसके बाद मंगल का परिवर्तन होगा, कुंभ वृश्चिक राशि में मंगल आ जाएंगे करीब 17 नवंबर को, और ये आपके लिए बहुत विशेष तौर पर सावधान भरवाए, किसी बंधन कॉन्ट्रैक्ट में ना फंस जाए, अननेसेसरी की कमिटमेंट आपको परेशान कर सकती है, तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप एक काम करिएगा, उस समय में मीठी रोटियां बनाकर, चीनी लगाकर रोटी में गुड़ लगाकर श्वानों को दलवा दीजिए, नित्य प्रति शाम को ये उपाय कर दिया कीजिएगा, इससे आपके कष्ट होने के दुख देने के कष्ट होने के योग हैं वो समाप्त होने के योग बन जाएंगे। इसके बाद 28 दिसंबर से लेकर करीब करीब 16 जनवरी तक मंगल जो है अस्त होकर आपके भाग्य में चलेंगे। ऐसे में आपको नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को विशेष तौर पर मंगलवार और शनिवार को पीपल के पत्तों की माला, ये सब अर्पित कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो लगातार इन उपायों को कर आप बहुत प्रकार की समस्याओं से निदान प्राप्त कर सकते हैं। मंगल का ये अस्त होना विशेष तौर पर एक भौगोलिक घटना है, उसके अनुसार से विभिन्न प्रभाव बनते हैं। ये हमने गोचर के दृष्टिकोण से आपको समस्त प्रकार से इनके बताने का प्रयास किया है। ऐसे में क्या क्या कुछ प्रकार के योग हैं ये गोचर के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन आपकी राशि के अनुसार से मंगल कहाँ पर बैठे हैं, किस ग्रह के साथ योग बना रहे हैं, कौन सी दशा चल रही है, नवांश में किस प्रकार के हैं, द्वेषकांड में किस प्रकार के, इन सब चीज़ों को समझकर फिर पूरी तरह से विवेचना करने के बाद ही बहुत सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जा सकता है। तो ऐसे में कोई प्रश्न हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम है, दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है, हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ, और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है, नित्य प्रति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर, आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं, बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है, भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योग आश्रम से जुड़े समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।